बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्शन रिसर्च। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज एजुकेशनल रिसर्च, व्हाई एजुकेशनल रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, देन वी विल डिस्कस definition of action research, importance of action research, purpose of action research. After that we will discuss why do you use action research, then characteristics of action research, what is not an action research. Next is examples of action research topics. Next, sources of locating related literature. And last but not least, methods of data collection in action research. So first of all, we will discuss what is research. Dear students, iski definition hai aapke samne. The systematic investigation of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions. So this is the definition of research. Now we come to what is educational research. अब हम बात करेंगे कि educational research से क्या मुराद है. So educational research refers to the systematic collection and analysis of data related to the field of education. So education की field से related जो भी topics होंगे, themes होंगी, उससे related जो systematic collection और analysis होगा data का, वो बेसिकली एजुकेशन रिसर्च में आएगी. सो एजुकेशन रिसर्च में इन्वॉल्व अ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग, इसमें हम देखते हैं कौन कौन से शामिल है, स्टूडेंट लर्निंग, टीचिंग मेथड्स, टीचर ट्रेनिंग एंड क्लासरूम डायनेमिक्स. राइट, नेक्स्ट, व्हाई एजुकेशनल रिसर्च. अब हम डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन रिसर्च क्यों जरूरी है. सो इम्प्रूव द प्रैक्टिसेस, इसका फायदा ये है. एड द नॉलेज, नॉलेज में इजाफा हम करते हैं. एक्सपेंड नॉलेज, रिसर्च से क्या होता है, नॉलेज में एक्सपेंशन होती है. एड्रेस द गैप्स इन नॉलेज, जो भी गैप्स होते हैं नॉलेज के अंदर, बेसिकली रिसर्च के जरिए, एजुकेशन रिसर्च के जरिए उन गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है. रेप्लीकेट नॉलेज, टेस्ट द डिफरेंट फाइंडिंग्स, रिसर्च के जरिए जो हमारे पास डिफरेंट फाइंडिंग्स आती हैं उनको टेस्ट किया जाता है, और इस तरह से रेप्लिकेशन ऑफ नॉलेज होती है. देन है जी टू बिल्ड न्यू नॉलेज रिगार्डिंग द मेथोडोलॉजी एंड पेडागोजी. तो एजुकेशन रिसर्च के जरिए नए नए हम जो है वो मेथोडोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, पेडागोजी के ऊपर जो है रिसर्च करके हमारे पास रिसर्च बेस्ड पेडागोजी आती है. नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई ट्रूथ रिगार्डिंग एनरोलमेंट, रिटेंशन, ड्रॉप आउट एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. तो ये डिफरेंट जो हैं वो आस्पेक्ट्स हैं, इनरोलमेंट है, रिटेंशन है, ड्रॉप आउट है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इसके ऊपर हम रिसर्च के जरिए जो ट्रूथ होती है उस वो हमारे सामने आती है. टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्लासरूम, इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल एंड पॉलिसी लेवल. तो इसका ये भी बड़ा फायदा है कि हम जो है वो क्लासरूम के लेवल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हम सॉल्व करते हैं, रिसर्च करते हैं रिसर्च के जरिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, और सबसे अहम जो है वो पॉलिसी लेवल. आइए आगे बात करते हैं. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च. डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रिसर्च बाय पर्पज होती है, रिसर्च बाय मेथड होती है. तो अभी हम सिर्फ रिसर्च बाय पर्पस की बात करेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा मेन कंसर्न है कि हम एक्शन रिसर्च के ऊपर बात करेंगे. तो रिसर्च बाय पर्पस में बेसिक रिसर्च आती है, अप्लाइड रिसर्च आती है, एवेल्युएशन रिसर्च आती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आती है, और खास तौर पे एक्शन रिसर्च आती है. आइए स्टूडेंट्स, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है ब्रीफ वो हम देखते हैं. बेसिक रिसर्च जो है ये इसलिए कंडक्ट की जाती है कि इसका पर्पस क्या है, कि पर्पस ऑफ थ्योरी एंड डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट, नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज. अप्लाइड रिसर्च जो है
ये बेसिकली इट इज कंडक्टेड विद द पर्पज ऑफ अप्लाइंग एंड टेस्टिंग थ्योरीज एंड एवेल्युएटिंग देयर यूजफुलनेस इन सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स। तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो डिफरेंट थ्योरीज को अप्लाई करने में और टेस्ट करने में और एवेल्युएट करने में जो है वो यूज होती है। एवेल्युएशन रिसर्च जो है ये इट इज कंडक्टेड टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द रिलेटिव वर्थ ऑफ टू और मोर अल्टरनेटिव एक्शंस। और इसी तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इट इज कंडक्टेड टू फाइंड एंड डेवलप इफेक्टिव प्रोडक्ट्स फॉर यूज इन एजुकेशनल सेटिंग्स। तो अब हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च की, जो कि हमारा आज की कंसर्न भी है हमारा इस वीडियो लेक्चर में। सो इट इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट द लोकल लेवल। एक्शन रिसर्च जो है ये इसलिए की जाती है कि जो लोकल लेवल पे एक टीचर को क्लासरूम में कोई प्रॉब्लम्स है पढ़ाने के दौरान, तो उसका हल चाहता है, सोल्यूशन चाहता है साइंटिफिकली। तो एक्शन रिसर्च जो है बेसिकली उसको हेल्प आउट करती है, फैसिलिटेट करती है, इसलिए ये कंडक्ट की जाती है। आइए स्टूडेंट्स एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले स्टीफन कोरे ने डेफिनेशन इसकी की है, वो उनके मुताबिक इट्स अ प्रोसेस इन विच टीचर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बींग फेस्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम एंड सॉल्व देम इन अ साइंटिफिक वे फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स। तो ये स्टीवन कोरे ने इसकी डेफिनेशन की है। एक और स्कॉलर है कॉलहोन ने एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन इस तरह से की है। उनके मुताबिक एक्शन रिसर्च क्या है, अ सिस्टमेटिक प्रोसेस टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द स्कूल एंड टेक एक्शंस टू मेक इट बेटर प्लेस टू लर्न। तो आप ये देखें कि इन डेफिनेशंस में आपको जो मेन पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, ये एक तो ये कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम है एक्शन रिसर्च में हम करते हैं, और खासतौर पे उन प्रॉब्लम्स को देखा जाता है जो क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दौरान उनको फेस करने पड़ते हैं, और फिर टीचर उसके हल के लिए, सोल्यूशन के लिए साइंटिफिक वे इख्तियार करता है। और एक्शन रिसर्च एक सिस्टमेटिक प्रोसेस का नाम है जिसके जरिए बेहतरी के लिए हम काम करते हैं और चीज़ों को बेहतर करते हैं ताकि बच्चों की लर्निंग जो है वो बेहतर हो। जी स्टूडेंट्स, आगे हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च। अब हम बात करेंगे कि ये क्यों जरूरी, ये अहम क्यों है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। सो इट इज अ रिसर्च अप्रोच दैट इज ग्राउंडेड इन एक्शन। इट हेल्प्स इन लर्निंग टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली, ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा पॉइंट है इट इज एन अप्रोच कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग कंडीशंस एंड प्रैक्टिसेस। यानी स्कूल्स के अंदर टीचर्स क्लासरूम में जिस तरह पढ़ा रहे हैं, जो लर्निंग कंडीशन या सिचुएशन है उनको इम्प्रूव करने के लिए एक्शन रिसर्च यूज होती है। इट इज पार्टिसिपेटिव एंड कोलैबोरेटिव इन नेचर। और आगे क्या है, इट इज सिचुएशन बेस्ड एंड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक। देखिए इसमें क्योंकि हर टीचर की अपनी जो है वो सिचुएशन है, जो भी उसको प्रॉब्लम है वो उसका प्रॉब्लम है, और ये लोकल होती है बेसिकली, और इसमें हर टीचर अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए एक्शन रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। इट इज़ अ मेथड यूज टू इम्प्रूव एजुकेशनल प्रैक्टिस, और इसके जरिए एजुकेशन प्रैक्टिस को इम्प्रूव किया जाता है। इट्स गोल इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ लोकल कंसर्न। तो इसका सबसे अहम गोल, मकसद क्या है एक्शन रिसर्च का, कि जो लोकल कंसर्न के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है इसकी मदद से। आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च। तो सबसे अहम पर्पस लिखा हुआ है फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर्स प्रैक्टिस। तो मेन पर्पस इसका यही होता है कि इम्प्रूवमेंट के लिए टीचर्स की पेडागोजी, टीचर्स की मेथोडोलॉजी, वो स्ट्रेटजीज डिफरेंट स्ट्रेटजीज से पढ़ाते हैं उनमें बेहतरी के लिए एक्शन रिसर्च की जाती है। नेक्स्ट है फॉर द बेटरमेंट ऑफ लर्नर्स, टू मेक देम इनेबल टू लर्न मोर बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स द टीचर्स टू इवेल्युएट हिम और हर एंड इम्प्रूव हिज और हर टीचिंग टेक्निक्स।
इट हेल्प्स द टीचर्स टू एक्वायर मोर नॉलेज स्किल्स एंड क्वालिटीज फॉर देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये भी बड़ा अहम पॉइंट है. फिर आगे है इट्स ट्राई टू मेक द स्कूल एनवायरमेंट मोर कंफर्टेबल मोर कंड्यूसिव फॉर लर्निंग. और इसमें लास्ट पॉइंट है अ पर्सनल एनालिसिस एंड सेल्फ एवेल्युएशन लुक फॉर हिज ओन इम्प्रूवमेंट. बेसिक पर्पज आपने देखा कि इसका क्या है, टीचर्स की इम्प्रूवमेंट और लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा बेहतर बनाते हुए स्कूल के एनवायरमेंट को ज्यादा कंड्यूसिव और कंफर्टेबल फॉर लर्निंग बनाना इसका पर्पज है. इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आगे हम बात करेंगे व्हेन डू यू यूज एक्शन रिसर्च. तो आप ये कब कर एक्शन रिसर्च कब आप जो है वो करते हैं. सो वी यूज एक्शन रिसर्च व्हेन वी हैव अ स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम टू सॉल्व. जब भी हमें कोई स्पेसिफिक एजुकेशनल प्रॉब्लम हमें हमारे सामने आता है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके सिस्टमेटिक सॉल्यूशन के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज करते हैं. फिर है जी एक्शन रिसर्च प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेटर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन प्रैक्टिसेस. ये भी इसका बहुत अहम जो है पॉइंट है. टीचर्स हु एंगेज इन एक्शन रिसर्च जनरली बिकम मोर अवेयर ऑफ देयर ओन प्रैक्टिसेस. जो टीचर्स एक्शन रिसर्च में इंगेज रहते हैं वो करते रहते हैं, तो इससे जो है उनको अपनी प्रैक्टिसेस के बारे में आगही जो है उनको रहती है. टीचर्स आर व्यूड एज इक्वल पार्टनर्स इन डिसाइडिंग व्हाट वर्क्स बेस्ट एंड व्हाट नीड्स इम्प्रूवमेंट इन देयर क्लासरूम्स. सो क्लासरूम में बेहतरी के लिए टीचर्स जो हैं वो जाहिर है इस जस्तजू में होते हैं कि उसको कैसे बेहतर किया जाए, उनकी टीचिंग को स्टूडेंट्स की लर्निंग को किस तरह से, तो वो बेहतर जो है वो फैसला कर सकते हैं. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. आइए इसमें देखते हैं कुछ पॉइंट्स. सो एक्शन रिसर्च डज नॉट कंसर्न इन बिल्डिंग थ्योरीज बट फोकस ऑन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो एक्शन रिसर्च का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ जो है ये थ्योरीज को ही बिल्ड करना, बल्कि इसका मकसद जो है इसका फोकस जो है वो प्रॉब्लम्स को के हल की तरफ है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इमीडिएट सॉल्यूशन मिल जाते हैं प्रॉब्लम्स के विद इन स्पेसिफिक टाइम. तो स्पेसिफिक टाइम में के अंदर आपको बड़ी जल्दी जो है फौरी आपको प्रॉब्लम्स का हल जो है वो मिल जाता है. इट इज हेल्पफुल फॉर टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड टू पॉइंट आउट द डेफिशिएंसीज एंड टू इम्प्रूव देम. इसमें ये सबसे बड़ा फायदा टीचर्स के लिए ये हो जाता है कि उनको अपनी मेथोडोलॉजी टीचिंग मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है और उनको अपनी डेफिशिएंसीज के बारे में पता चलता है और उनको वो बेहतर करते हैं. नेक्स्ट गिव्स द टीचर्स अ सिस्टमेटिक वे टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स एंड टेक एक्शंस टू रिजॉल्व. ये भी इसका बड़ा फायदा है कि सिस्टमेटिक वे में वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं करते हैं और उसके बाद उनको मतलब एक्शंस लेते हैं जिससे वो उसको सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट टू मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट मोर कंड्यूसिव एंड इफेक्टिव सो दैट लर्नर्स मे लर्न मोर एंड बेटर. तो बेटर मैन की तरफ लर्निंग एनवायरमेंट को ज्यादा कंड्यूसिव बनाने के लिए एक्शन रिसर्च जो है वो ये इसकी एक खसूसियत है. इट इम्प्रूव्स द वर्क कंडीशंस एंड बिल्ड कोऑपरेटिव एटीट्यूड अमंग टीचर्स. तो इससे वर्किंग कंडीशंस बेहतर होती हैं, कोऑपरेटिव एटीट्यूड जो है वो टीचर्स के दरमियान बेहतर होता है. डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज नॉट एन एक्शन रिसर्च, यानी कौन सी रिसर्च जो है वो एक्शन रिसर्च नहीं होती. ठीक है, एक्शन रिसर्च जो है इट्स नॉट अ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट वेयर वी थियोरेटिकली लर्न अबाउट अ टॉपिक दैट इंटरेस्ट अस, पहला पॉइंट. दूसरा, एक्शन रिसर्च इज नॉट एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट व्हाट इज रॉन्ग, रादर इट फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस और सिचुएशन. तो एक्शन रिसर्च में ये नहीं देखा जाता कि व्हाट इज रॉन्ग, बल्कि इसका फोकस होता है कि पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रैक्टिस को आपने बेहतर कैसे करना. नेक्स्ट, इट इज नॉट अबाउट डूइंग रिसर्च ऑन और अबाउट पीपल और फाइंडिंग ऑल अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक लुकिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स. इसमें ये हर चीज जो है तमाम पहलू नहीं देखे जाते
इट इन्वॉल्व्स पीपल वर्किंग टू इम्प्रूव देयर स्किल्स टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज, ये अहम बात है. नेक्स्ट, नॉट अबाउट लर्निंग, एक्शन रिसर्च इज नॉट अबाउट लर्निंग व्हाई वी डू सर्टेन थिंग्स, बट इट इज अबाउट हाउ वी कैन डू थिंग्स बेटर. सो इट इज अबाउट हाउ वी कैन चेंज आवर इंस्ट्रक्शन टू इम्पैक्ट स्टूडेंट्स लर्निंग. ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपको समझ लगे कि एक्शन रिसर्च जो है वो बेसिकली उसका पर्पस जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को बेहतर करने के लिए टीचर अपनी इंस्ट्रक्शन को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आए और टीचर्स जो हैं अपनी स्किल्स को, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज को जो क्लासरूम में यूज़ करते हैं वो बेहतर तरीके से यूज़ करें और वो अपनी प्रैक्टिसेस को बेहतर करें. जी स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं एक्शन रिसर्च टॉपिक्स के हवाले से. कुछ एग्जाम्पल्स हैं तो कुछ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं. उसमें देखें, पहला है प्रमोटिंग स्टूडेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू मोटिवेशन ऑफ ग्रेड 5 स्टूडेंट्स. सेकेंड टॉपिक आप देखिए, डिवेलपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू असाइनिंग रोल्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7. तो इस तरह से ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक्शन रिसर्च टॉपिक्स की. थर्ड हम देखते हैं प्रमोटिंग ह्यूमिलिटी इन क्लास थ्रू मॉडलिंग अमंग ग्रेड 4 स्टूडेंट्स. तो ग्रेड इसमें जो है वो बताना जरूरी है. देन डिवेलपिंग ह्यूमिलिटी थ्रू मैनर्स अमंग प्री स्कूल स्टूडेंट्स. और आगे हम देखते हैं डिवेलपिंग ह्यूमिलिटी थ्रू पॉजिटिव रिलेशनशिप इन साइंस क्लास ऑफ ग्रेड 6. नेक्स्ट, प्रमोटिंग और डिवेलपिंग, इन दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हैं. प्रमोटिंग डिवेलपिंग क्यूरोसिटी थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस अमंग ग्रेड 8 स्टूडेंट्स. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एक्शन रिसर्च टॉपिक्स की, ये आप इसमें जो है यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लोकेटिंग रिलेटेड लिटरेचर. तो जब आप टॉपिक अपना डिसाइड कर लेते हैं तो उसके ऊपर जो है वो जाहिर है आपने टॉपिक जो आपका होगा उस पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, तो वो आप इंसाइक्लोपीडिया से या हैंडबुक से यूज़ करेंगे, वहाँ से लेंगे, और लाइब्रेरी कैटलॉग से भी आप टॉपिक के मतलब जो है वो देख सकते हैं. और अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए टॉपिक के जो आपका होगा आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे तो आप टॉपिक को नैरो डाउन कर सकते हैं और अपनी रिसर्च पे फोकस कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप गूगल स्कॉलर लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल्स देखेंगे और डिफरेंट जो हैं वो जैसे रिसर्च गेट है वहाँ से भी आप जो है वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, आप लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हैं. जी आगे हम बात करेंगे कि डेटा कलेक्शन की. तो एक्शन रिसर्च के अंदर जो डेटा कलेक्शन होता है उसका जो मकसद है, गोल है, वो क्या है? वो मेन यही है, द गोल ऑफ एक्शन रिसर्च इज टू अंडरस्टैंड सम एलिमेंट ऑफ योर क्लासरूम बाय कलेक्टिंग डेटा. तो आपकी क्लासरूम के से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, बेसिकली एक्शन रिसर्च के जरिए वो आपको मौका मिलता है समझने का और कलेक्ट करने का. डेटा आर एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशंस और फैक्ट्स दैट आर कलेक्टेड और रिकॉर्डेड. डेटा से ये मुराद है. और नेक्स्ट लाइन है, वन वे टू इंश्योर दैट यू आर कलेक्टिंग डेटा ऑन अ रेगुलर बेसिस इज टू यूज अ कैलेंडर और अ चेकलिस्ट. तो आप कैलेंडर और चेकलिस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज हम बात करेंगे, बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉइंट है, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है ये क्या होंगे. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खास तौर पे एक्शन रिसर्च के हवाले से. स्टूडेंट्स के जेहन में होता है कि इसमें क्वेश्चनेयर को जो है वो यूज करेंगे. तो क्वेश्चनेयर यूज किया जा सकता है बट इसको ज्यादा प्रेफर नहीं किया जाता. इसमें आप देखें कि जो ज्यादा इसमें यूज होते हैं ऑब्जर्वेशनल डेटा है. अगर आप ऑब्जर्वेशन से करना चाहते हैं तो इसमें जो मेथड्स हैं वो बताए गए हैं, वो हैं फील्ड नोट्स, ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स, लॉग्स आप यूज कर सकते हैं, नैरेटिव्स, चेकलिस्ट्स, टेलीशीट्स, वीडियो टेप्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो टेप्स, ऑर्गेनाइजेशनल मैप्स और चार्ट्स, बिहेवियरल स्केल्स और टाइम ऑन टास्क एनालिसिस.
इसके साथ साथ इंक्वायरी डेटा में जो मेथड्स आते हैं वो हैं इंटरव्यूज़। हम इंटरव्यू के ज़रिए डेटा की कलेक्शन करेंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन करेंगे, कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप डेटा की कलेक्शन कर सकते हैं, और आप एटीट्यूड स्केल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में एक्शन रिसर्च के हवाले से बात की है और डिटेल के साथ बात की है, और इसमें देखेंगे हमने एंड में मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन की भी बात की है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।